हेलो एवरीवन, मैं हूं मुकेश कश्यप और आप देख रहे हैं एमके एजुकेशन पॉइंट्स, जिस पर आपको मिलती है सबसे पहले गवर्नमेंट से संबंधित अपनी अपडेट्स और आपकी हर वो इन्फॉर्मेशन जिसमें आप अपने गवर्नमेंट से संबंधित जॉब्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो। तो आज की इन्फॉर्मेशन के रूप में मैं आपको राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आपका जो लाइव स्टॉक असिस्टेंट की जो एडमिट कार्ड है वो आपके जारी हो चुके हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने लाइव स्टॉक असिस्टेंट में फॉर्म भरा है और उसकी एग्जाम तिथि आपको नहीं पता है तो यहाँ पे आपका डिक्लेयर हो चुकी है और साथ साथ में आपका एडमिट कार्ड भी आपके यहाँ पे रिलीज हो चुके हैं। तो देखिए किस डेट को आपकी ये एग्जाम है और कैसे आप इसको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, तो पूरा ही प्रोसीजर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। तो शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखिए। और हाँ साथ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकन जो दिखाई देगा उसको ज़रूर आप प्रेस कर दें, जिसके माध्यम से आपको गवर्नमेंट से संबंधित अपनी जानकारी जो आपको मिलती रहे और किसी भी प्रकार की सूचना से आप वंचित ना रहें। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे आपका RSMSSD की साइट पे हूँ और वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हो पहला ही पॉइंट में आपको दिखाया है कि डाउनलोड एडमिट कार्ड ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर लाइव स्टॉक असिस्टेंट। जैसे मैं इस पर आपको क्लिक मारता हूँ तो ये क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से एक पोर्टेबल खुलेगा और उसमें आपका इस कोने में आपको मैं जूम कर देता हूँ उसको, जहाँ आपको जूम कौन करने पर आपको यहाँ पर गेट एडमिट कार्ड दिखाई देगा। जैसे इस पर क्या आप गेट एडमिट कार्ड पर जैसे क्लिक करते हो तो आपको एक ऐसा पेज खुल कर मिलेगा जिसमें आपको ये दिखाई देगा कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टेबल और गेट एडमिट कार्ड। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे तुम क्या करो, फिलअप कर सकते हो उसकी कि आपकी प्री है एग्जाम या मेन एग्जाम है उसके लिए। हालांकि अभी सभी का प्री चल रहा है तो प्री रहने दो, देना इसमें। और आगे यहाँ पे डालना है आपको एप्लीकेशन नंबर, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो एंटर करना है और उसके साथ में यहाँ पे डालनी है आपको डेट ऑफ बर्थ, यहाँ सेलेक्टेड डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो आपकी है और एंटर द टेक्स्ट गिवन, यानी कि जो तुम्हारे कैप्चर में दे रखा है वो 7337EC को यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि गेट एडमिट कार्ड पर क्लिक करना है। जैसे गेट एडमिट कार्ड पर क्लिक करोगे तो आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा, उसमें आपकी डेट भी शो